नमस्कार दोस्तों, हमारी SBI अप्रेंटिस की लास्ट 20 डेज की सीरीज चल रही है, जिसमें आज डे 5 करेंगे। एग्ज़ाम होने की जो संभावना थी, जो हमारे इंटरनल सोर्स बता रहे थे आयोन डिजिटल जोन के, कि वो 28 जनवरी हो सकती है, लेकिन एडमिट कार्ड अभी रिलीज़ नहीं हुए, तो ऐसा लग रहा है कि 28 जनवरी की जो डेट दी थी वो भी शायद पोस्टपोन हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हमें और टाइम मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, देखते हैं एग्ज़ाम कम होता है। लेकिन आज हम रैपिड फायर सीरीज जारी रखेंगे, जिसमें आज डे 5 की बात करेंगे। ठीक है, बिना बकवास शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ये रहा पहला सवाल। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रांट इज अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द COVID-19 वैक्सीन रिसर्च। COVID-19 वैक्सीन रिसर्च के लिए वित्त मंत्री ने कितना यानी कि फंड एलोकेट किया, तो आपका आंसर बनता है 900 करोड़। कितना किया? 900 करोड़। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट असेंबली हैज पास अ रिजोल्यूशन टू इंक्लूड सरना एज अ सेपरेट रिलीजियस इन सेंसस 2021? 22 होगा। ठीक है, सेंसस 2022 में, अगले साल जो होगी, ठीक है, उसमें सरना जो है एक कम्युनिटी है, उसको अलग रिलीजियस यानी धर्म का दर्जा दिया गया है। किस राज्य ने दिया है? तो दिया है झारखंड ने। किसने दिया? झारखंड ने। ठीक है, सेचा समाधान एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है? ओडिशा ने। किसने किए? ओडिशा ने। मूडी ने 2020 में भारत की GDP ग्रोथ है 2020-21 में, जो वित्त वर्ष है, उसमें कितनी फोरकास्ट की है? तो 8.9% माइनस में। ठीक है, इतना संकुचन देखने को मिलेगा। भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा, भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये है IRCTC। ठीक है, इंडियन रेलवे है ना, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द फास्टैग इन इंडिया? तो आपका जो आंसर बनता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बनेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 किसने लॉन्च करा है? HDFC बैंक। किसने किया है? HDFC बैंक। याद रखना। विच इकोनॉमिक मेजर ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली बाय 0.2% आफ्टर 6 मंथ कॉन्ट्रैक्शन? 6 महीने संकुचन देखने को मिला GDP में, लेकिन ऐसा किसने बोला है कि भारत की GDP जो है 0.2% से बढ़ चुकी है? तो ये बोला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने। ठीक है, याद रखना। विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज सक्सेसफुली डेवलप जियो पॉलीमर कोर्स एग्री गेट फ्रॉम फ्लाई ऐश? जियो पॉली है ना, पॉलीमर कोर्स किसने बनाया है? तो ये बनाया है NTPC लिमिटेड ने। ठीक है, क्या देखेगा? भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है जो क्या हुआ है, कॉरपोरेटाइज कर दिया, मतलब प्राइवेट कर दिया गया है? तो आपका आंसर है कामराजर पोर्ट। कामराजर पोर्ट को प्राइवेट कर दिया, ये अडानी ग्रुप को दिया गया था। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे हर साल मनाया जाता है 11 नवंबर में, किसकी याद? याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, विच इंडियन मिनिस्टर एड्रेस द इंडिया ड्राइवर्स ऑफ चेंज कॉन्फ्रेंस? इंडिया ड्राइवर ऑफ चेंज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द बैंक ऑफ अमेरिका? तो आपका आंसर बनता है पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। अंडर द आत्मनिर्भर भारत थर्ड स्टिमुलस पैकेज ₹3,000 करोड़ हैज बिन रिलीज टू विच इंस्टीट्यूशन अंडर द आइडियाज स्कीम? तो आपका आंसर बनता है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक को आत्मनिर्भर भारत स्टिमुल पैकेज के तहत ₹3,000 करोड़ दिए गए थे आइडिया स्कीम के तहत। आइडियाज का फुल फॉर्म होता है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, एज पर रीसेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड CDC मतलब डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है, हैज फेल्ड टू वैक्सीनेट 1.2 मिलियन इन्फेंट्स अगेंस्ट द विच डिजीज? तो आपका आंसर बनता है मेसल्स। ठीक है, मेसल्स के विरुद्ध जो है भारत 1.2 मिलियन इन्फेंट्स को यानी वैक्सीनेट करने से पीछे रहेगा, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच कंट्री? तो आंसर बनता है आपका इंडिया।
क्या बनता है आंसर? इंडिया। पबजी किस देश में रिलॉन्च होगा? भारत में। कहां पर होगा? भारत में। इन चाइना हैज पास्ड अ लॉ अलाउइंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ऑफ अनपेट्रियोट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन विच ऑटोनोमस रीजन? आंसर बनता है हांगकांग। क्या बनता है? हांगकांग। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट इन विच टू स्टेट? आंसर बनता है राजस्थान और गुजरात में। कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात में। जिबूती टू विच इंडिया हैज प्रोवाइड 50 मेट्रिक टन ऑफ फूड एड इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो जिबूती कहाँ पे? अफ्रीका में है। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल विच वॉज सीन न्यूज रिसेंटली? आंसर बनता है DRDO। क्या बनता है? DRDO। विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू फाइनलाइज प्रोजेक्ट अंडर द अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? आंसर बनता है सूरत। ठीक है। क्या बनता है आंसर? सूरत। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? तो याद रखना नीदरलैंड्स में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर मेंबर ऑफ द G77? तो आंसर बनता है 134। 134 देश G77 के मेंबर हैं। ठीक है। टाइफून वोमाकू कहाँ पर आया था रिसेंटली? तो आपका आंसर बनता है फिलीपींस से। कहाँ पे? फिलीपींस में। सतीश कुमार मिश्रा हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज द चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर बनता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी के चेयरमैन हैं। ठीक है। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड दैट इट वुड नो पे द ओवर ड्यू यूरो बॉन्ड कूपन बाय द डेडलाइन? आंसर बनता है जाम्बिया। क्या बनता है? जाम्बिया। विच कंट्री चेयर द ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्टर मीटिंग? आंसर बनता है रशिया। क्या बनता है आंसर? रशिया। सौमित्र चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से थे? तो आंसर बनता है सिनेमा। कहाँ से थे? सिनेमा। विच यूनियन मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू इंसेंटिव स्कीम टू 500 प्राइवेट अकेडमीज? तो आंसर बनता है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। क्या है? यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ठीक है। हाउ मैनी कंट्रीज हैव साइंड द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिसेंटली? आंसर बनता है 15। क्या बनता है आंसर? 15। धरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। विच F1 रेसिंग ड्राइवर हैज क्लिंच द टर्किश ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप? आंसर बनता है लुइस हैमिल्टन। क्या बनता है? लुइस हैमिल्टन। ठीक है। विच इंडियन कंपनी हैज कमेंस्ड फेज 3? ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, इसे छोड़ दीजिए, है ना। सॉरी, माफ कीजिएगा। 12th ब्रिक्स समिट का थीम क्या था? आंसर बनता है ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। मुंह बंद करो अभियान किसका? HDFC बैंक का है। किसका है? HDFC बैंक का। बस इतना याद रखना। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलोकेट 20 मिलियन टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इन द इंक्रीज COVID-19 वैक्सीन? आंसर बनता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज कंस्टिट्यूट द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन? कितने देशों ने मिलकर APEC ग्रुप बनाया था? तो आंसर याद रखना 21। कितने देशों ने बनाया? 21। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। विच प्राइवेट बैंक हैज बीन प्लेस्ड अंडर मोरिटोरियम विद द कैप ऑफ डिपॉजिट विदड्रॉल बाय द RBI? तो आंसर बनता है लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है। नवंबर की खबर है ये। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लॉन्च स्पेशल एडिशन रिस्ट वॉचेस इन विच कंट्री? आंसर बनता है बांग्लादेश। क्या बनता है आंसर? बांग्लादेश। द ओनली नोन वाइट जिराफ विच वॉज सीन इन न्यूज इज फाउंड इन विच कंट्री? आंसर बनता है केनिया। केनिया में देखा गया था क्या? वाइट जिराफ। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सुपर कंप्यूटर विच इज प्लेस अमंग द टॉप 500 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम? आंसर बनता है परम सिद्धि। क्या बनता है आंसर? परम सिद्धि। ये 62वें नंबर पर रहा था। ठीक है। जापान का फुकाओकू क्या था? पहले नंबर पर था। विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर डबल डेकर बसेस? आंसर बनता है स्कॉटलैंड। आंसर क्या बनता है? स्कॉटलैंड। विजयनगरा हैज बीन क्रिएटेड द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ द विच इंडियन स्टेट? आंसर बनता है कर्नाटका।
आंसर क्या बनता है? कर्नाटका। ठीक है, नवंबर का जो तीसरा दिन है, माफ कीजिएगा, नवंबर का जो तीसरा वेडनेसडे है, ठीक है, हेल्थ के क्षेत्र में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आंसर बनता है आपका वर्ल्ड पीसी, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड सीओपीडी डे, वर्ल्ड सीओपीडी डे। ठीक है, 2022 का फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अब करेगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये महिलाओं का होगा और पुरुषों का करेगा पेरू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू इरेडिकेट विच डिजीज बाय 2050? तो आंसर बनता है क्रेविसिकल कैंसर। ठीक है, पेट का रहता है वो वाला कैंसर। ठीक है, ठीक है, जापान हैज साइन डिफेंस डील विथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो आंसर बनता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर बनता है? ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री हैज प्लेज टू बैन सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार बाय 2030? आंसर बनता है यूके। क्या बनता है? यूके। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अपीयरिंग ट्वीट्स लॉन्च बाय ट्विटर? तो आंसर बनता है फ्लिट्स। फ्लिट्स फीचर किसका? ट्विटर का है। ठीक है, ऑपरेशन कैलेप्सो विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विच फील्ड? आंसर बनता है ड्रग स्मगलिंग। क्या बनता है? ड्रग्स स्मगलिंग। ये राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच में चलाया गया था। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज टू बी ऑनर विद द वतियाना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो आंसर बनता है डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल। क्या बनता है? डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल। इंडिया साइन $500 मिलियन एग्रीमेंट विच इंस्टीट्यूशन फॉर द दिल्ली गाजियाबाद मेरूत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट? तो आंसर आपका बनता है NDB। NDB ने कितने थे? 500 मिलियन दिए हैं। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट PMFME स्कीम विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली? तो आंसर बनता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। PMFME का मतलब होता है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। एक बार वो पढ़ लिख लो, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च डेवलपमेंट ऑफ विंड पार्क्स विंड सोलर हाइड्रिड पार्क? तो आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। विच डे रिलेटेड टू द आयुष मिनिस्ट्री सेलिब्रेटिंग ऑन नवंबर 18 सिंस 2018? आंसर बनता है नेचुरोपैथी डे। क्या बनता है आंसर? नेचुरोपैथी डे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस द बिहार झारखंड एंड उत्तर प्रदेश इन नवंबर डेडिकेट टू द सन गॉड? भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य का कौन सा त्यौहार जो है झारखंड उत्तर प्रदेश बिहार में मनाया जाता है? तो आंसर बनता है छठ पर्व। क्या मनाया जाता है? छठ पर्व। वुमन T20 जो वर्ल्ड कप है 2023 में होगा फरवरी में, उसे कौन होस्ट करेगा? तो आंसर बनता है आपका साउथ अफ्रीका। क्या आंसर बनता है? साउथ अफ्रीका। विच कंट्री पास्ड बाई पार्टीजन रिजोल्यूशन ऑन ऑटोनोमस तिब्बत? तो आंसर बनता है आपका USA। क्या बनता है आंसर? USA। बुक का नाम है लोकतंत्र के स्वर, इट इज कंप्लीशन ऑफ द विच स्पीचेस ऑफ द विच इंडियन लीडर? तो आपका आंसर बनता है रामनाथ कोविंद। विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है रिलीज द रूल टू प्रोटेक्ट मेटर्निटी राइट ऑफ इट्स फीमेल प्लेयर्स? तो आंसर बनता है फीफा। ठीक है, अब फीफा ने क्या करा है कि मेटर्निटी लीव दी अपनी जो फीमेल जो प्लेयर्स हैं उन्हें 14 वीक की। ठीक है, 14 वीक्स की कितनी दी है? मेटर्निटी लीव दी है और सैलरी का 2/3 उन्हें देने का फैसला किया है। ठीक है, अगर 3,000 रुपये सैलरी तो 2,000 रुपये उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये अच्छा इनिशिएटिव है। तुंगभद्रा पुष्करालू विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर बनता है आपका आंध्र प्रदेश। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द फेसबुक व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मेड यूजर डेटा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020? आंसर बनता है सेकेंड, पहले नंबर पर USA है। विच टेक्नोलॉजी मेजर हैज अनवील इट्स रीच कम्युनिकेशन सर्विस मैसेजिंग ग्लोबली? आंसर बनता है गूगल। इंडो थाई कॉरपोरेट
which was seen in the news recently, is the exercise involving which armed forces of India and Thailand? आंसर बनता है नेवी. क्या बनता है? नेवी. इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द काउंटर टेररिज्म डायलॉग विथ इंटरनेशनल एसोसिएशन. तो आंसर बनता है यूरोपियन यूनियन. ठीक है, एक डायलॉग करा था काउंटर टेररिज्म पर यूरोपियन यूनियन के साथ. व्हाट इज द नेम ऑफ द अलायंस कंप्राइज ऑफ 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके. तो आंसर बनता है 5 इंटेलिजेंस अलायंस. इसमें भारत ने रिसेंटली ज्वाइन करा है. ठीक है, भारत ने रिसेंटली ज्वाइन करा है और अभी जापान ने भी ये कहा है कि वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा. ठीक है, व्हाट इज द न्यू बॉर्न मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018. तो आपका आंसर बनता है 1000 अगर नए जन्म ले रहे हैं तो उनमें से 23 की डेथ हो रही है. ठीक है, माइक्रो इरिगेशन फंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज क्रिएटेड इन विच ऑर्गेनाइजेशन. आंसर बनता है नबार्ड. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप बाय विच कंपनी. आंसर बनता है रिलायंस रिटेल. क्या बनता है? रिलायंस रिटेल. सेस्मिक सर्वे कैंपेन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द लॉन्च इन विच इंडियन कंपनी. तो आंसर बनता है ऑयल इंडिया लिमिटेड. ठीक है, सेस्मिक सर्वे कैंपेन किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने शुरू करा था. वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को. कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को. महाआवास योजना कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा. विच डे सेलिब्रेटेड टू मेक एडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स बाय यूएन जनरल असेंबली. तो आपका आंसर बनता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे. डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच इंटरनेशनल ब्लॉक. आंसर बनता है G20. क्या बनता है? आंसर बनता है G20. इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट एंड लॉर्ड ऑथर लॉर्ड मेगन देसाई रिजाइंड फ्रॉम अ मेजर पार्टी इन विच कंट्री साइटिंग रेसिज्म. तो आंसर आपका बनता है यूके. क्या बनता है? यूके. SAT इनिशिएटिव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री. तो आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. ठीक है, SATAT का फुल फॉर्म बनता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू वर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव. सिटमैक्स इज अ ट्राइलेटरल नवाल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, थाईलैंड एंड विच कंट्री. तो आंसर बनता है आपका सिंगापुर. क्या बनता है आंसर? सिंगापुर. द इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ RBI प्रपोज टू इंक्रीज द प्रमोटर्स स्टेक इन प्राइवेट सेक्टर बैंक व्हाट परसेंट. आपका उत्तर बनता है 26%. क्या बनता है? 26%. नेशनल फार्मेसी वीक 2020 की थीम क्या थी? तो आपका आंसर बनता है फार्मिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ EU's यूरोपियन यूनियंस इन्फोर्समेंट एजेंसी यूरोपोल. आंसर बनता है दी नेदरलैंड्स. कहाँ पे है? दी नेदरलैंड्स में. ठीक है, गायल है ना, गायलियम संगाई है ना, कोदने वांगचुक हु वॉज अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इज द क्वीन मदर ऑफ विच कंट्री. आंसर बनता है भूटान. क्या आंसर बनता है? भूटान. विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू शिप 2 billion कोविड वैक्सीन टू डेवलपिंग कंट्रीज इन 2021 एज अ पार्ट ऑफ कोवैक्स इनिशिएटिव. आंसर बनता है यूनिसेफ. क्या बनता है? यूनिसेफ. विच टेनिस प्लेयर हैज क्लिंच द ATP टूर फाइनल्स 2020 इन लंदन. आंसर बनता है आपका डेनियल मेदवेव. किसने? डेनियल मेदवेव ने. विच कंट्री सेंट्रल बैंक इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हैव 1 million ट्विटर फॉलोअर्स. आंसर बनता है इंडिया. इंडिया का कौन सा? RBI. ठीक है, 1 million मतलब 10 lakh उनको फॉलो कर रहा है ट्विटर पर. ठीक है, एपेक समिट हुई थी. ठीक है,
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन उसको होस्ट किसने करा था, तो मलेशिया ने करा था। किसने करा था? मलेशिया ने। ठीक है, अभयम ऐप किसने लॉन्च करा था? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने करा था? आंध्र प्रदेश ने। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? तो आंसर बनता है मेघालय में। कहाँ पे किया जाता है? मेघालय में। चेंग फाइव प्रोब विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ लूनर मिशन ऑफ द विच कंट्री? आंसर बनता है चाइना। किसका है? चाइना का। इंटरनेशनल वर्जन ऑफ द गवर्नमेंट एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय यूनियन आईटी मिनिस्टर? आंसर बनता है उमंग। क्या बनता है आंसर? उमंग। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मेटाडोम डे ऑफ द सिख गुरु ऑब्जर्व इन मंथ ऑफ नवंबर एज अ शहीद दिवस। शहीद दिवस का मनाया जाता है किसकी याद में? मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर के। किसके? गुरु तेग बहादुर के। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? उसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस राज्य ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए शुरू करा है? तो आंसर बनता है गोवा। क्या बनता है? गोवा। इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड में किस भारतीय मूवी ने यानी कि यह प्रोग्राम ने अवार्ड जीता है? तो आंसर याद रखना दिल्ली क्राइम। क्या? दिल्ली क्राइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन विच हैज बीन फोरकास्टेड बाय IMD टू क्रॉस तमिलनाडु एंड पुद्दुचेरी नवंबर 2020? आंसर बनता है निवार। क्या बनता है आंसर? निवार। व्हाट इज द कॉल साइन ऑफ द बोइंग B-77 द VIP एयरक्राफ्ट यूज बाय इंडियन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर? आंसर बनता है एयर इंडिया वन। क्या है? एयर इंडिया वन। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज टर्मिनेटेड द ब्रोकिंग लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द विच कंपनी एंड डिक्लेयर इट्स अ डिफॉल्टर? तो आंसर बनता है कावेरी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। कावेरी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। आनंद एप्लीकेशन किसने शुरू करी? LIC ने। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का और साथ में देश का पहला काऊ हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है? तो आसाम में। कहाँ पे बन रहा है? आसाम में। री इन्वेस्ट मतलब रिन्यूअल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा था? तो आंसर बनता है न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी। ठीक है, याद रखना न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा था। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च फॉर प्राइमरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बाय नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो आंसर बनता है सहकार प्रज्ञा। क्या है? सहकार प्रज्ञा। विच स्टेट लॉन्च स्टेट हैज पास्ड ऑर्डिनेंस टू बैन अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जेशन फॉर मैरिज? आंसर बनता है उत्तर प्रदेश। लव जिहाद कानून बोलते हैं इसे, मध्य ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश आया। ठीक है, और फिर असम ने भी इसे लागू किया गया। ठीक है, एक हत्याकांड हुआ था निकिता तोमर हत्याकांड फरीदाबाद में, जिसके बाद इस कानून को लाने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द SDG इन्वेस्टर मैप ऑफ फॉर इंडिया UNDP अलाउ इन्वेस्ट इंडिया लेड हाउ मैनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया? तो आपका आंसर बनते हैं यहाँ पर 18। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8 trillion? तो आंसर बनता है HDFC बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक। द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SEBI हैज साइंड MOU विथ विच सदर्न स्टेट टू डेवलप MSME इकोसिस्टम? आंसर बनता है तमिलनाडु। क्या बनता है आंसर? तमिलनाडु। विच कंट्री लिफ्टेड 93 million पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी सिंस 2013 एंड अनाउंस द इरेडिकेशन ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इट्स कंट्री? किस देश ने ऐसा बोला है कि हमने 93 million लोगों को, ठीक है 93 million मतलब 9,30,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और हमने पूरी तरह से अपने देश में से गरीबी खत्म कर दी? तो ऐसा बोलने वाला है, हंसी आती है लेकिन है कौन? चाइना बोल रहा है। वॉट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अप्रूव बाय द कैबिनेट टू बी इन्फ्यूज्ड इन टू NIIF डेट प्लेटफॉर्म? तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर 6,000 crore। क्या बनता है? 6,000 crore। यूनियन कैबिनेट अप्रूव MOU
ऑन कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स साइनिंग अमंग द कंट्री ऑफ विच ब्लॉक। आंसर बनता है ब्रिक्स। क्या बनता है? ब्रिक्स। एज पर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विच इज द कंसिडरेड एज अ प्रोजेक्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम अराउंड 75% ऑफ एशियन रिस्पोंडेंट्स। आंसर बनता है आपका करप्शन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2020, इसकी थीम क्या थी? ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्स, प्रिवेंट, कलेक्ट। ठीक है, ये हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। हु हैज बिकम द सेकेंड इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो आंसर बनता है जॉर्ज ग्रेग, ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। अहमद पटेल का निधन हो गया, वो किस पार्टी से थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेवी वेट टॉर्पेडो फ्लैग ऑफ बाय डीआरडीओ वाज डिलीवर्ड इनटू द इंडियन नेवी? तो आंसर बनता है वरुणास्त्र। क्या बनता है? वरुणास्त्र। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन टू अप्लाई जेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? तो आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवार्डेड द प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड इन द न्यूली इंस्टीट्यूट उमंग अवार्ड? तो आंसर बनता है EPFO। क्या बनता है? EPFO। विच कंट्री हैज अनाउंस टू सेट अप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर? तो आंसर बनता है आपका यूके। क्या बनता है? यूके। डियागो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया, किस देश के थे? अर्जेंटीना। कहाँ के थे? अर्जेंटीना। ऑन द 26 नवंबर विच ईयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? आंसर आपके बनता है यहाँ पर 1949। क्या है? 1949। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द सऊदी अरब फॉर्मली नॉन एज द सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी? आंसर बनता है सऊदी सेंट्रल बैंक, सऊदी सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों ये थे आज के 120 क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।